अस्सलाम वालेकुम। ऐसी प्यारी प्यारी कहानियाँ देखने के लिए जो बच्चे जहाँ से सबक हासिल करें मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू। एक दफ़ा का जिक्र है कि किसी गांव में एक किसान रहता था। प्यारा सगों इसमें सारे लोग काम करते थे और वो भी इसी गांव में रहता था और काश्तकारी करता था। तो बच्चों आपको ये जानकर हैरानगी होगी कि किसान बहुत लालची था, क्योंकि उसके पास ज़मीन भी थी। तो इसके बावजूद वो लालची हो गया, ट्रैक्टर भी था और उसके पास हार्वेस्टर मशीन भी थी, इसके बावजूद वो बहुत लालची था। एक दिन वो अपनी मुर्गियों के पास अंडे लेने गया, जहाँ पे उसने मुर्गियाँ रखी हुई थी। तो वो रोजाना मुर्गियों के नीचे से अंडे निकाल कर लाता और लाकर बेचता। एक दिन वो ये देखकर हैरान रह गया कि इस एक मुर्गी ने सोने का अंडा दिया है। मुर्गियाँ तो सोने का अंडा नहीं देती, लेकिन उसकी एक मुर्गी ने सोने का अंडा दिया। उसने अपनी बीवी को बताया, वो बहुत खुश हुई और हैरान भी हुई कि मुर्गी सोने का अंडा देती है। अगले दिन फिर उसने आजमाने के लिए गया तो उसने देखा कि मुर्गी ने सोने का अंडा दिया है। वो अंडा लेकर मंडी उसे बेच के चला गया। अब वो रोज सुबह अंडा लेकर मंडी में जाकर फरोख्त करता, रोजाना और पैसे हासिल करता और यूं वो आहिस्ता आहिस्ता अमीर हो गया। बहुत खुश हुआ, अपनी बीवी को बताया, बीवी भी बहुत खुश हुई। एक दूसरे सोचा कि क्यों ना एक ही सारे अंडे एक ही दिन में से हासिल कर लूं। इसकी बीवी ने भी इसको यही मशवरा दिया, क्योंकि बीवी भी लालची थी। लालच में आ गए दोनों मियाँ बीवी और उसने क्या किया, फिर से फैसला किया कि मैं मुर्गी को ज़िबा करूंगा और एक ही वक्त पे सारे अंडे हासिल करूंगा और बहुत ज़्यादा अमीर हो जाऊंगा। इसने छुरी ली, अगले दिन वो छुरी लेकर मुर्गी के पास पहुंचा और उसे ज़िबा कर दिया। मुर्गी को ज़िबा करने से आपको तो पता है ना बच्चों, एक ही अंडा निकलेगा, लेकिन उसने लालच में आकर ऐसा कर दिया और वो देखकर अंडा सिर्फ एक है तो वो रोने लगा, बहुत शर्मिंदा हुआ अपने किए पर। तो लालची आदमी का जाबा भी दिखा। आपको बेटा द गोल्डन एग स्टोरी कैसी लगी है मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा। Thank you.